राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अगर नेक ब्रोड है तो उसको छोटा कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी और साथ में आपको करके भी दिखाऊंगी। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने नेक ब्रोड है तो उसमें तीरा हम कैसे निकाले ये बताया था, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास कुर्ती है, इसी कुर्ती की मैंने पिछली वीडियो में कटिंग दिखाई थी, तो ये मैंने यहाँ से कम किया था 1 इंच, तो इसका निशान है यहीं पर ही, यहीं से इसको छोटा करेंगे। तो कुछ इस टाइप का इसमें गला बना हुआ है, इस गले को छोटा करके और इसको कैसे हम फोल्ड करेंगे, कैसे इसमें हम कपड़े को अटैच करेंगे, तो सारा चलिए डिटेल में मैं आपको मशीन के ऊपर समझाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो मैंने निशान लगाया था, ये अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके इस कुर्ती की कटिंग देख सकते हो कि मैंने किस तरह से समझाया है। अब जो ये मैंने निशान लगाया, इस निशान को हम यहाँ पे तिरछा मिलाएंगे सिलाई के साथ। तो इस तरह से ये मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद ये नहीं है, मैंने यहाँ पे 1 इंच का लिया है, अगर आपका ज़्यादा कपड़ा बचता तो आप ज़्यादा ले सकते हो और उसको इस तरह से ही जैसे हम डाटा डालते हैं सिलाई लगाते हैं। ये लगाने के बाद अब ये देखिए, नीचे की तरफ से सेम हमारा उतना ही रहेगा जितना हम रखना चाहते हैं, यहाँ से हमारी शेप नहीं बिगड़ेगी और जो ऊपर से चौड़ाई होती है ज़्यादा वो हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ से 71 के साथ फोल्ड करूँगी, जो इसके कपड़ा बचा हुआ है उसी के साथ इसको फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से कपड़े को रखूँगी या मैं सीधी तरफ से सिलाई लगाऊंगी तब भी मुझे नेक नज़र नहीं आएगा कि मैंने सिलाई कहाँ पे लगानी है। अगर मैं इसको उल्टी तरफ रखूंगी और नेक को इस तरह से रखूंगी तब भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि सिलाई कहाँ से लगानी है, क्योंकि जो ये सिलाई लगी हुई है ये पूरा ही पेंच अटैच हुआ है इस पर, जो गले की शेप है उसमें सिलाई नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो पहले आप नेक के बिल्कुल पास से सिलाई लगा लें ताकि वो सिलाई इस तरफ भी नज़र आए। इसमें क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि यहाँ तक, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और इतने में हमारा नेक है। आप इसमें ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने अब सिलाई लगा ली है, अगर आपको कपड़े रख के सिलाई नहीं लगानी है तो आप इसको इस सिलाई के बाहर की तरफ से कटिंग कर लें और इसमें और ये पट्टी के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हो। मैं इसमें इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी नेक के ऊपर, आपको इतना बड़ा कपड़ा लेना है कि नेक के ऊपर पूरा कवर हो। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलटने के बाद जो सिलाई मैंने लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसके बिल्कुल पास से ही कटिंग करेंगे हम 1 से 1.5 इंच कपड़ा लेते हुए। जो आपकी कुर्ती का कपड़ा उसको ध्यान में रखें, कभी गलती से वो ना कट जाए, जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। अब जितना आपको फोल्ड के लिए रखना उतना रखें इस तरह से। तो ये मैंने कटिंग कर दिया, अब पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरे राउंड में ही। अब कपड़े पे पेपर फ्यूजिंग लगा के फोल्ड करना चाहो तो पेपर फ्यूजिंग भी लगा सकते हो, उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी नेक में। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब जो ये अंदर की सिलाई लगाई थी इसके पास से इसको कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो,
कहीं आपकी सिलाई जो हमारी ये कढ़ाई दी गई है नेक की उसके पास से तो नहीं लगी। अब इसके राउंड में कट लगा लेंगे ताकि पट्टी को फोल्ड करने में आसानी हो। हम यहाँ पे राउंड में कट नहीं लगाते हैं ना, तो पट्टी को हम फोल्ड करते हैं या नेक भी लेते हैं बुकरम का, तो उसमें ना झोल सी बन जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती। अब ये मैंने कट लगा लिए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से अब नेक नज़र आया। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे, ऐसे पलटने के बाद नेक के बिल्कुल पास से किनारे किनारे के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आप ये सिलाई मोटे पखे से भी लगा सकते हो, बारीक से भी लगा सकते हो। अगर आपने धागा लग लिया तो आप मोटे पखे से लगाएं ताकि उस सिलाई को निकाल दें और तुरपाई कर लें। अगर सेम धागा तो आप बारीक भी लगा सकते हो। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा निकला इसको कटिंग कर देंगे पट्टी को। ये देखिए गला बन के तैयार है। बिल्कुल कम टाइम में ही मैंने आपको गले में पट्टी को लगाना बता दिया। किस तरह से मैंने दो तरीके बताए, आप और ये पट्टी भी लगा सकते हो। और इस तरह से इसकी मैचिंग का कपड़ा है या पाइपिंग देना चाहते हो तो आप इस तरह से ही कपड़े को रख के, और ये मैंने यहाँ पे प्लेन छोड़ा तो आप अगर मैचिंग का कपड़ा लगाओगे तो इस तरह से पाइपिंग बन के आएगी, तो आप इस तरह से भी कपड़े को लगा सकते हो। तो आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें। कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, समझ में आती है या नहीं आती है, कुछ भी है जैसा आपको लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ में वीडियो को शेयर भी करें जिन मेरी बहनों को नहीं आता है, जैसे कि अब नई नई सीखने लगी हैं तो उनके भी समझ में आए कि आसानी से वो गले को बना ले। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कुछ नया, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।